Video related to coronavirus and the disease COVID. As you're aware, the disease originated in the Hubei province from a place known as Wuhan, which is the capital city, and is one of the 10 most important cities of China. आप देखेंगे कि वुहान एक important transportation hub है और यांगजी रिवर के किनारे बसा हुआ है. यह एक एजुकेशन और फाइनेंस और हाईली टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से भरा पड़ा एक बड़ा चीन के 10 बड़े शहरों में से एक इम्पॉर्टेंट शहर है. और अगर हम देखें तो ये बीजिंग से करीब करीब 1150 किलोमीटर दूर और चीन के सबसे सबसे खुशहाल और सबसे अमीर जो शहर है शंघाई, उससे करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर है. ज्ञात हो कि ये दोनों ही शहर करीब करीब इस रोग की चपेट से बाहर हैं. इस रोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले. सार्स कोवी टू, जिसे नोबल कोरोना वायरस इसके प्रथम चरण में नाम दिया गया WHO द्वारा, ये एक कोरोना वायरस का प्रकार है और इससे जनित रोग कोविड 19 कहा जाता है. कोरोना वायरल डिजीज 2019 यहाँ पर यह सिग्निफाई करता है कि इस रोग के बारे में हमें जो सूचना मिली वो 2019 में मिली. और एक दिसंबर 2019 यानी पहले हफ्ता, दिसंबर का पहला हफ्ता जो था उसी समय इसके बारे में जानकारी मिली. अगर इसके वायरल स्ट्रेन की बात करें तो ये एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स नाम के कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस है, लेकिन इसके बारे में और इसके स्ट्रेन्स के बारे में वृहद जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. सबसे पहली बार इस विश्व के संज्ञान में इस रोग को डॉक्टर ली वी लियांग ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस रोग के बारे में ये जानकारी देकर विश्व को इसकी सूचना दी कि यह एक ऐसा रोग है जो निमोनिया से मिलता जुलता तो है लेकिन निमोनिया नहीं है और उससे कई गुना घातक और ख़तरनाक रोग है. यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा वायरस और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी कर लें. वायरस का लिटरल मीनिंग होता है पॉइजन और यह एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है या माइक्रोब होता है जो न तो जीवित होता है न ही मृत होता है. जीवित इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें इसका कोई सेल नहीं होता, और मृत इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें रिप्लिकेट करने की क्षमता होती है. ये जब इसे उचित इन्वायरमेंट मिल जाता है तो ये जी उठता है. इसको रिप्लिकेट करने के लिए लिविंग सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे, और ये किसी भी एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में घुसकर अपने आप को रिप्लिकेट करता है और अपना विकास क्रम शुरू करता है. वीरियन एक ऐसा वायरस का वो हिस्सा है जो जेनेटिक मटेरियल, अब ये वायरसेस दो तरह के हो सकते हैं और इनकी खोज 1892 में हुई थी. आरएनए और डीएनए प्रकार के जो दो तरह के वायरस होते हैं इनकी के जेनेटिक मटेरियल के मेकअप में फ़र्क होता है. एक में आरएनए और दूसरे में डीएनए होता है. कोरोना वायरस आरएनए वाले प्रकार का वायरस है. नॉर्मली जो वीरियन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, एक कैप्सिड और एक इन्वेलप. अगर आप देखें तो एक वायरस के ग्रोथ में इन तीनों और अंगों का इम्पॉर्टेंट योगदान होता है. अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, कोरोना वर्ड, और इसका मतलब क्राउन या मुकुट या रीथ या वो फूलों का माला की माला जो मुर्दों पर डाली जाती है नॉर्मली, वो होता है. और इसका कोरोना वर्ड सूर्य के कोरोना से भी संबंधित है क्योंकि इसमें भी जो इसकी जो इन्वेलॉप है उससे स्पाइक्स निकले हुए होते हैं. अभी इसके चित्र से आपको ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, आपने इसके चित्र को कई बार टीवी चैनल्स पे देखा भी होगा. ये कोरोना वायरस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है. इसका ये मतलब होता है कि ये एक मैसेंजर आरएनए कैरी करता है और जो तुरंत ही किसी होस्ट सेल में घुसकर अपने मतलब की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और रोग से
जिस होस्ट सेल है उसके सेल को तोड़ देगा और उसे रोगयुक्त बना देगा। कोरोना वायरस एक क्लास ऑफ वायरस है जिनमें जिनमें चार जिन्हें हम दो तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि उनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा की कैटेगरी में बांटा जाता है, और दूसरा है कि वो जिस प्रकार के रोग या इलनेस कॉज करते हैं। जैसे कुछ कोरोना वायरस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं और कुछ जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। ह्यूमन कोरोना वायरस वैसे कोरोना वायरस हैं जो एनिमल से किसी तरह स्पूल ओवर होकर के इंसानों तक पहुँचे। जैसा कि कोरोना वायरस कोविड 2019 नाम का जनित रोग जो है वो भी सार्स नाम के जो सार्स टू नाम का जो कोरोना वायरस है उससे जनित है। और यद्यपि इसके बारे में ये स्पष्ट नहीं है कि ये चमगादड़ से ही निकल के आया है, ऑल दो उसके जीनोम के बारे में जो सूचना उपलब्ध है वो ये बताती है कि उसकी जीनोमिक मेकअप बैट से या चमगादड़ों से मिलती है, लेकिन अभी इसके बारे में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। अगर हम कोरोना वायरस की संरचना देखें, पहले भी बात की कि इसमें एक स्पाइक होता है और ये स्पाइक लोगों जो होस्ट सेल होता है जिनमें ये वायरस ग्रो करता है उससे पकड़ के रखने के लिए होता है और उसमें एंट्री मारने के लिए होता है। दूसरा आरएनए जो उसको जीवित रखने के लिए जो उसकी जेनेटिक मटेरियल है और उसी से वो रेप्लिकेट करेगा। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें कि ये पूरी प्रोसेस क्या कहाँ से कहाँ तक और किस तरह से जाती है, तो आप देखें कि एक वायरस जो कोरोना वायरस भी उसी तरह की हरकतें करता है जैसा कि वो कर रहा है एक वायरस करता है, तो कोरोना वायरस के स्पाइक के थ्रू वो अपने होस्ट सेल में एंटर करता है और रिप्लिकेशन के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आरटीसी जिसे हम कहते हैं फॉर्म करता है और जा करके जिस होस्ट में घुसता है उसके सेल्स को तोड़ देता है और अपने प्रकार के मिलियंस ऑफ वायरसेस को जन्म देता है, जिससे जो होस्ट सेल है या जिस ऑर्गेनिज्म में ये प्रवेश करता है उसे रोगयुक्त कर देता है। ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें तो ये कोरोना वायरस हमें पहले से भी ज्ञात है और साधारण जो सर्दी जुकाम होता है उसके लिए भी कोरोना वायरस ही जिम्मेदार होता है। उनके 229E HCoV-229E, HCoV-NL63 एंड HCoV-OC43 ये ऐसे कोरोना वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन HCoV-HKU1 भी एक ऐसा स्ट्रेन है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। अगर हम इसके सीवियर फॉर्म्स की बात करें जो चाइना और सऊदी अरेबिया पर जिनका प्रकोप देखने को मिला था, इसमें हम अगर बात करें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे सार्स कहते हैं वो चाइना में ही 2002-3 के आसपास देखा गया था और उस रोग से करीब 26 देशों के में लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जबकि मर्स कॉफ यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इसने सऊदी अरेबिया को 2012 में अपनी चपेट में लिया था। नया का जो अभी कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया वो कॉव 2 बोला जा रहा है, सार्स कॉव 2 बोला जा रहा है, और इसे पहले नोवल कोरोना वायरस भी कहते थे, NCOV भी कहा जाता था, और यही कोविड नाम के रोग का कारक है। WHO आप इस संदर्भ में जाने कि एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना और हेल्थ सिचुएशन को मॉनिटर करना और उसके बारे में असेसमेंट करते रहना उसका मुख्य काम है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसियस हैं जो अपने अपने देश के लिए और इस संस्था के लिए बहुत उपयोगी योगदान दे रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन के से प्राप्त सूचना के हिसाब से इस रोग को 30 जनवरी 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया और उसके बाद 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। यहाँ ज्ञात हो कि पेंडेमिक एक ऐसी एपिडेमिक होती है जो पूरे विश्व में फैल जाए और इस पर अगर हम
एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक एक ऐसी इन्फेक्शस डिजीज होती है जो बहुत तेजी से लोगों को अफेक्ट करती है। अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10-12 सालों में 15 सालों में जो पेंडेमिक्स घोषित की है उनमें सार्स कोरोना वायरस तो जो 2002-03 में आया था और बैट की वजह से या चमगादड़ों की वजह से ये ह्यूमन बीइंग्स में आया था, वो स्वाइन फ्लू वायरस जो H1N1 वायरस के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसमें करीब करीब 2 लाख लोगों की जान गई थी इस रोग की वजह से, काफ़ी विश्व में के कई देशों में फैला था। मर्स जो 2012 में से अभी तक इसके प्रकोप को सऊदी अरेबिया से शुरू होकर कई सारे देश झेल रहे हैं, और इबोला वायरस भी जूनेटिक डिजीज ही है जो कि जानवरों से होता हुआ इंसानों तक पहुंचता है। इस पे इसने भी करीब करीब 11,000 लोगों को अपने चपेट में लिया है। अगर हम कोविड के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आए तो कोविड एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और ये शुरू होता है गले की इन्फेक्शन से जो अपने माइल्ड फॉर्म में है, और अगर इसकी सही ट्रीटमेंट या इसका इलाज नहीं हो पाया या सही तरीके से प्रिवेंशंस नहीं रखे गए तो ये पहले तो लंग्स को प्रभावित करता है और फिर किडनी, और उसके बाद इसका अंत मृत्यु के रूप में भी हो सकता है। इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन का होता है, यानी इससे संक्रमित व्यक्ति 1 से लेकर 14 दिन के भीतर अपने अगर उनमें रोग के लक्षण परिलक्षित होते हैं तो वो हो जाते हैं, और इस दौरान वो एक कैरियर का काम करता रहता है। उसके संसर्ग में आने वाला हर व्यक्ति एक को ये खतरा बना रहता है कि वो उससे प्रभावित हो जाए, जबकि इस पीरियड में उसके सिम्टम्स या तो बहुत ही माइल्ड होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक स्थिति है और इस समय उसकी रोगी की पहचान करना मुश्किल होता है। जब इसके सिस्टम मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें फीवर, ड्राई कफ, सांस लेने में तकलीफ, गले में की खराबी आदि उसके सिम्टम्स उसे देखने को उस रोग में मिलते हैं। अगर हम सार्स कॉव की बात करें तो ये इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि ऑल्दो इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम है और ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं परहेज के और माइल्ड ट्रीटमेंट के बेसिस पे ही ट्रीट हो जाते हैं जैसा कि दूसरे फ्लूज के केस में होता है, लेकिन चूंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है जैसा कि दूसरे फ्लूज के केस में अवेलेबल है, ये बड़ा ही खतरनाक और घातक है और इसकी कॉन्टेमिनेशन की रेट बहुत ही तेज है, इट इज़ वेरी कॉन्टैक्टस। किस तरह से इसकी ट्रांसमिशन होती है ये जान लेते हैं। तो जो अभी तक की सूचना उपलब्ध है WHO की तरफ से उसके हिसाब से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और एक्सहेलिंग। जब आदमी इस तरह का उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इस प्रोसेस में, इन तीनों प्रोसेसेस में, वो दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं, या अगर व्यक्ति सीधे तौर पर किसी को संक्रमित व्यक्ति के संसर्ग में आ जाए, संपर्क में आ जाए, तो भी उसे ये रोग होने का, ट्रांसमिट होने का खतरा होता है। तीसरी चीज़ कि अगर किसी कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को छूकर आदमी नाक, कान, आँख छुए तो उससे भी इस रोग के फैलने का खतरा होता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ट्रांसमिशन को चेक किया जाए, और इसके लिए 4 स्तरों पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला पर्सनल लेवल पे, जहाँ ये बताया जाता है कि आप अपने हाथों को जल्दी जल्दी साफ करें, फेस को टच ना करें और जहाँ तक हो सके घर में रहें। सोसाइटल लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है और यहाँ पर लोगों को 2 मीटर की डिस्टेंस कम मेंटेन करने के लिए कहा जाता है ताकि जो वायरस का जो वायरल लोड है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँच सके अगर वो कहीं पर मौजूद है तो। तीसरा बड़े स्तर की बात करें तो राज्य और राष्ट्र के स्तर पर लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सब कुछ बंद, सब कंप्लीट शट डाउन करके इसको रोकने की, इसके ट्रांसमिशन को चेक करने की कोशिश की जाती है। ये तो साधारण लोगों की बात हुई, लेकिन मेडिकल पर्सनल्स के लिए इसको चेक करना, क्योंकि वो सदैव उनके कॉन्टेमिनेटेड लोगों के, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो
स्पेशल इक्विपमेंट्स जिन्हें हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स कहते हैं, जिनमें गॉगल्स, फेस शील्ड्स, मास्क, ग्लव्स और हेड कवर, शू कवर, ये आदि चीज़ें होती हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अगर हम कोविड के डायग्नोस्टिक की बात करें कि ये पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसे RT-PCR कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का नेज़ल और थ्रोट का स्वैब लिया जाता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में सैंपल ले करके बड़े ही कम अमाउंट में वायरस के स्ट्रेन उपलब्ध होने पर भी ये डिटेक्शन हो जाता है कि रोगी रोगग्रस्त है और उसमें उसके सिम्टम्स मौजूद हैं, जबकि कन्वेंशनल तरीके में ऐसा करना संभव नहीं होता। जब तक कि जो मैलिग्नेंट चीज़ें हैं ठीक ठाक स्तर तक नहीं पहुंच जाती, दूसरे कन्वेंशनल टेस्ट इसके बारे में जानकारी नहीं प्रदान कर पाते। कलेक्शन सैंपल का भी बड़ा सिंपल है, आपको कहीं नहीं जाना, इसके लिए जो स्पेशल लोग ट्रेंड लोग हैं वो आते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, आपको ज्ञात है कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और क्यों नहीं है? कारण कि इसके स्ट्रेन्स के बारे में अभी ही हाल में ही पता चला जनवरी के महीने में, और वैक्सीन के डेवलपमेंट में कम से कम 4 चरण होते हैं जो करीब करीब 1 से 1.5 साल की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिनमें छोटे सैंपल्स, छोटे ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर वैक्सीन का टेस्ट, फिर बड़े ग्रुप के ऊपर उसका टेस्ट, फिर और बड़े ग्रुप के ऊपर उसका टेस्ट, और फिर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि उसका फिर सर्टिफिकेशन होना है, और फिर अल्टीमेटली जब वो मार्केट में आएगा और उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, तो इन ये सारे क्रमबद्ध तरीके से होने वाली लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जो कम से कम 12 से 18 महीने जिनमें लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी कोई आशा नहीं की जा सकती। यहाँ अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग जैसे फ्लू से ठीक हो जाते हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन है तब तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो भी वो आम परहेज के बेसिस पर इससे बच जाते हैं। उसी तरह कोविड के भी 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, अगर वो सावधानी बरतें। लेकिन जो लोग वल्नरेबल हैं, जैसे और या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो आस्थमा के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, या जिनकी जिनकी ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों पर खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है और उन्हें विशेष परहेज रखने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट, अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, कोई वैक्सीन नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि वैक्सीन नहीं तो आप किसी को बचा नहीं सकते, पहले से दे करके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो उस स्टेज पे इंटरवीन करते हैं जबकि आदमी बीमार हो गया और सीवियर सिंड्रोम्स उसमें डेवलप हो गए, लाइक उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक हो गई, लंग्स में पानी भर गया और वो अफेक्टेड हो गया। तो ऐसे केसेस में वेंटिलेटर्स पर उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख करके पेशेंट को वापस ठीक करने की कोशिश की जाती है। सो ओनली सपोर्टिव केयर इज़ पॉसिबल एंड दैट इज़ द ओनली कंसर्न, कि ऑन अ लार्ज स्केल सच अ सपोर्टिव केयर विथ द लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल इन आर कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए बेहतर है कि बचाव ही सुरक्षा है, और इसीलिए सेल्फ केयर पर बहुत विशेष जोर देने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में सबसे पहला कि जैसे भी माइल्ड सिम्टम्स भी हों, फ्लू के भी हों, क्यों ना हो, लोगों को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपने आप को क्वारंटाइन करके रखना चाहिए, अगर माइल्ड सिम्टम्स हों तो आराम करना चाहिए, गर्म पानी पिएं और खूब लिक्विड लें, अपने शरीर को गर्म रखें और न्यूट्रिशस डाइट लें ताकि इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी देश की इकोनॉमी पे, और वर्तमान में तो करीब 300 करोड़ लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, 3 बिलियन की जनसंख्या लॉकडाउन के अंदर है। बड़े बड़े देश जैसे चाइना, USA, UK, स्पेन, इटली, ईरान और भारत इससे बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में इकोनॉमी की जो हालत होगी ये समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो बुरी तरह से फिसले पड़े हैं, और ये सारे जो ट्रेवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से चरमरा से गए हैं। इस रोग की एक्चुअल इम्पैक्ट का पता लगाना वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि इससे विश्व को कब मुक्ति मिल पाएगी और इसको कंटेन करने में कितना टाइम लगेगा।
उसी के आधार पर आप एसरटेन कर पाएंगे कि इसकी इकोनॉमिक लॉस कितनी है। लेकिन सो फार एज लॉस ऑफ लाइफ इज़ कंसर्न, 1 अप्रैल 2020 तक विश्व ने करीब करीब 45,000 लोगों को खो दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस रोग ने लोगों की दिनचर्या, देश और कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू माइट हैव एंजॉयड इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।